नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म। मैं हूं विनाश। उत्तराखंड में केदारनाथ और बद्रीनाथ के धाम के बारे में भला कौन नहीं जानता, लेकिन धर्म में आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जहां केवल बद्रीनाथ केदारनाथ ही नहीं बल्कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की भी मौजूदगी मिलती है। हम बात कर रहे हैं मथुरा की, जहां की यात्रा करने से भक्तों को चारों धामों की यात्रा का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मथुरा में क्यों और कैसे आ गए बद्रीनाथ, आइए आपको दिखाते हैं इसके पीछे की कहानी। नंद बाबा ने पकड़ी तीर्थ की राह, लेकिन उम्र ने छोड़ दिया साथ। करने बाबा की मुश्किल आसान, कृष्ण ने ब्रज में बुला लिए सारे तीर्थ स्थान। मथुरा में बद्रीनाथ, मथुरा में बद्री विशाल, सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। कंस की नगरी, कृष्ण के चमत्कार के गवाह इस नगरी में विराजते हैं भगवान। नंद बाबा ने पकड़ी तीर्थ की राह, लेकिन उम्र ने छोड़ दिया साथ। करने बाबा की मुश्किल आसान, कृष्ण ने ब्रज में बुला लिए सारे तीर्थ स्थान। मथुरा में बद्रीनाथ, मथुरा में बद्री विशाल, सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे, लेकिन ये सच है। कंस की नगरी, कृष्ण के चमत्कार के गवाह इस नगरी में विराजते हैं भगवान बद्रीनाथ। मथुरा में बद्रीनाथ को क्यों आना पड़ा, इसकी कहानी जुड़ी है कृष्ण यानी नारायण से। तब उन्होंने वादा किया, ओ मैया मैया मोही। नन्हे कृष्ण माँ यशोदा की आंखों का तारा तो थे ही, नंद बाबा की भी उनमें जान बसती थी। कृष्ण की हर शरारत, उनकी हर बात पर दोनों अपनी हर खुशी, अपनी हर इच्छा को न्यौछावर कर देते थे। दरअसल विवाह के सालों बाद भी यशोदा और नंद बाबा का आंगन किलकारियों के बिना सूना था। हर दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब उनकी जिंदगी में संतान की खुशियां नहीं आईं, तब उन्होंने एक वादा किया कि संतान प्राप्ति के बाद वो चारों धाम की यात्रा करेंगे। कहते हैं उम्र के कई पड़ाव बीत जाने के बाद नंद बाबा और यशोदा की जिंदगी में कृष्ण बाहर बनकर आए। नंद बाबा की सूनी जिंदगी खुशियों से खिलखिला उठी। कृष्ण की शरारतों और उसकी मुस्कान में नंद बाबा अपना वादा भूल गए। धीरे धीरे कान्हा 4 साल के हो गए, और एक दिन जब वो जंगल से गाय चराकर लौटे तो पूरी तरह धूल से सने हुए थे। कृष्ण की इस मनमोहक छवि से बाबा और यशोदा बहुत प्रसन्न हुए। आनंद के उन्हीं क्षणों में अचानक नंद बाबा को अपना वादा याद आ गया। फिर क्या था, अपना वादा पूरा करने के लिए नंद बाबा चल पड़े चारों धाम की यात्रा पर। लेकिन उम्र ज्यादा थी और मुश्किल यात्रा। बाबा नंद गांव पार भी नहीं कर पाए थे और उनका शरीर जवाब देने लगा। कन्हैया से बाबा की व्यथा देखी नहीं गई। कृष्ण ने सभी तीर्थ स्थलों का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मेरे माता पिता इतने वृद्ध हो गए हैं कि ये चारों धाम की यात्रा नहीं कर सकते, ऐसे में आप सभी को मथुरा आना होगा और यहाँ पर बसना होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, चारों धाम ने नारायण का मान रखते हुए यहाँ बसने का अनुरोध स्वीकार कर लिया। भगवान कृष्ण ने ब्रज में आकर कई लीलाएं की।
भगवान कृष्ण की। ब्रज में बद्रीनाथ को आदि बद्री नारायण के नाम से जाना जाता है। यहाँ बद्रीनाथ के अलावा ऋषि कुबेर, नारद ऋषि, उद्धव जी के दर्शन किए जा सकते हैं। उत्तरांचल के बद्रीनाथ में अलकनंदा और तृप्त कुंड है, ठीक वैसे ही अलकनंदा और तृप्त कुंड ब्रज में भी देखे जा सकते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने नंद बाबा और यशोदा मैया सहित सारे ब्रजवासियों को पहले इस कुंड में स्नान कराया और फिर सबको दर्शन कराए नारायण के। तो कृष्ण के बुलावे पर बद्रीनाथ ही नहीं, केदारनाथ भी मथुरा दौड़े चले आए थे। नंद बाबा ने बद्रीनाथ के अलावा केदारनाथ की भी पूजा की। कहते हैं बद्रीनाथ और केदारनाथ मथुरा की 84 कोस की परिक्रमा में आते हैं और जो भी भक्त इस यात्रा को पूरा कर लेता है वो जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। हर आंख में बसे हैं भगवान और हर दिल में गूंज रहा है शिव का नाम। घंटे की हर आवाज जैसे भगवान को देती है भक्त के आने की सूचना। केदारनाथ के दर्शन के लिए यहाँ हर रोज इसी तरह भक्तों का जमावड़ा लगता है। कहते हैं कि भक्त भगवान से मिलने के लिए दूरी की परवाह नहीं करते, लेकिन ब्रज में तो मामला इसका ठीक उल्टा है। यहाँ तो भगवान दौड़े चले आए थे भक्त से मिलने के लिए। भक्त को कोई मुश्किल ना हो इसके लिए केदारनाथ ने ब्रज को बना लिया था अपना निवास स्थान। ये उत्तरांचल का केदारनाथ तो नहीं है, लेकिन इसकी महिमा कहीं भी उत्तरांचल के केदारनाथ से कम नहीं है। नारायण के अनुरोध पर बद्रीनाथ ही नहीं, केदारनाथ भी चले आए थे नंद बाबा को दर्शन देने के लिए। नंद बाबा बद्रीनाथ और केदारनाथ सहित चारों धाम के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उम्र ने उनके पैरों को जैसे बांध दिया था। लेकिन जब पुत्र कृष्ण ने अपनी लीला दिखाते हुए बद्रीनाथ और केदारनाथ को ब्रज में ही बुला लिया तो उनकी हर मुश्किल आसान हो गई। यहाँ नंद बाबा ने यशोदा के साथ बद्रीनाथ और केदारनाथ के आगे भी माथा झुकाया और आराधना कर अपना वचन भी पूरा किया। मथुरा के पास कामा में संगमरमर के पर्वत पर बने केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्तों को 450 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। उत्तरांचल के केदारनाथ की तरह यह भी मंदिर में अखंड दीपक हमेशा जलता रहता है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि वृद्ध हैं जो है लेके चलेंगे उत्तराखंड तो कष्ट होगा, तो भगवान ने यहीं वृद्ध भूमि में ही सब तीर्थों को बुला लिया है, चार धामों को बुला लिया है, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदार, बद्री, सब धामों को यह बुलाया है। दिया पे शंकर भगवान बैठे हुए ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, बहुत शंकरों के दर्शन किए। और इस यात्रा का महत्व है कि एक एक कोस चलने से एक एक लाख जोड़ी से छुटकारा होता है। ये 84 कोस की यात्रा है, 84 लाख आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत कुछ आनंद आ रहा है। आज तो यहाँ कैसा लग रहा है कि ऐसा यही बस जाऊं। केदारनाथ ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा के रास्ते में आता है। कहते हैं जो भी इस यात्रा को पूरी करता है वो 84 लाख योनियों के चक्र में फंसने से बच जाता है। उन भक्तों को बैकुंठ धाम में जाने का सौभाग्य मिलता है। मथुरा में बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम आए तो थे नंद बाबा की मुश्किल आसान करने के लिए, लेकिन उन भक्तों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं जो कठिन यात्रा करने में सक्षम नहीं है। यहाँ की यात्रा करने का पुण्य चार धाम की यात्रा के पुण्य के बराबर होता है। मथुरा से मदन गोपाल के साथ आज तक ब्यूरो। लीलाधर की लीला पर न केवल इंद्र, उनके सखा, बल्कि पूरा ब्रज निहाल था। कृष्ण ने महज 4 साल की उम्र में चारों धामों को मथुरा के पास बुलाकर अपने पिता के वचन की लाज रखी। इससे पहले कृष्ण कई ऐसे चमत्कार दिखा चुके थे जिससे वो पूरे ब्रज के बन गए थे लाल। देवकी थी कृष्ण की माता, लेकिन यशोदा ने दी ममता। उनकी गोद में पले विधाता यशोमती बन गई कान्हा की माता और कन्हैया बन गए नंदलाला। हरे 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 हरे
नंद नगरी में आ गया उत्सव का दिन। घटाएं घुमड़ उठी, भीग गई भूमि। नंद के घर आनंद के रंग बरसने लगे, खिल उठे फूल, पशु मगन होकर झूम उठे और पक्षी गीत गाने लगे, मानो समूची प्रकृति नंद के आंगन में उतर आई हो। ये समय था नंदलाल के स्वागत का, ये घड़ी थी कन्हैया के ब्रिज आने की। पाले में झूल रहे थे संसार के पालनहार, ये वो पल था जिसे सभी जी भर कर देख लेना चाहते थे। इस क्षण में भक्तों के साथ देवता भी डूब जाना चाहते थे। ओ मैया मैया मोही। कन्हैया यशोदा माता की आंखों की पुतली बन गए थे। वो अपने लाल को निहारते नहीं थकती थी, तो नंद बाबा भी नन्हे लाला की सुख सुविधा में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कृष्ण जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, नंद बाबा और यशोदा उतने ही ज्यादा कान्हा की सुरक्षा को लेकर परेशान रहते थे। नन्हे माखन चोर को मारने के लिए कंस के दूत आए दिन कुछ न कुछ करते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन भूतना राक्षसी ने कन्हैया का अपहरण कर लिया। भीमकाय राक्षसी का मुकाबला नन्हे नंदलाल कर रहे थे। जब नंद और यशोदा को ये बात मालूम चली तो दोनों बदहवास हो गए। अपने दुलारे को बचाने दोनों नंगे पांव ही भाग चले। लेकिन वहाँ भयानक भूतना मौत की नींद सो रही थी और बाल गोपाल उसकी गोद में खेल रहे थे। नंदलाल पूरे ब्रज के दुलारे थे, उनकी शरारतों ने सभी का मन मोह लिया था। नंदलाल की लीला ने पूरे ब्रज को अपना बना लिया था। एक बार खेल खेल में कन्हैया कूद कर गहरी यमुना में गए। गेंद ढूंढते ढूंढते वो पहुंच गए कालिया नाग के पास, जो खतरनाक था, जानलेवा था, लेकिन यहाँ भी उन्होंने नाग का घमंड कर दिया। चुप लेकिन बाहर उनके मित्रों के साथ माता और नंद बेहाल हो गए थे। लल्ला की चिंता में तो यशोमती मूर्छित हो गई थी। वो तब तक बेहोश रही जब तक लीलाधारी कृष्ण कालिया के सिर पर सवार होकर नदी से बाहर नहीं निकल आए। यशोदा और नंद के कृष्ण को दुलार दिया तो गोपाल ने भी उनके लाड प्यार का भरपूर सम्मान और जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। प्रणाम मेरे भाई बहन, आज का मंत्र नारायण मंत्र, इसका प्रयोग करते हैं यश प्राप्ति के लिए। कई बार ऐसा होता है, आप बहुत काम करते हैं, हम लोग बहुत कार्य करते हैं, लेकिन यश नहीं मिलता, नाम ठीक नहीं मिलता, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। इसका यश भी मिले, नाम अच्छा मिले, इसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। पहले मैं मंत्र बताता हूं, फिर इसकी विधि निवेदन करूंगा। मंत्र है, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इस मंत्र को बहुत शांत भाव से उत्तर की ओर मुख करके संध्या के समय, शाम का समय होता है 5 से 7 बजे के समय के बीच को संध्या समय कहते हैं, शाम के समय बैठ जाएं, उत्तर को मुख करके बहुत शांत भाव से 7 दिन तक लगातार, प्रत्येक दिन 7 दिन तक 3 बार इसका जप करें, उच्चारण करें बहुत शांत भाव से, तो आप देखेंगे आपका जो कार्य आप करते हैं उस कार्य में यश भी आपको मिलेगा, अच्छा नाम भी मिलेगा।